लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से कानपुर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 3 घायलों को सैफई अस्पताल और 2 घायलों को शिकोहाबाद अस्पताल भेजा गया। शिकोहाबाद अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि आज एक कार में सवार 5 लोग दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार नसीरपुर क्षेत्र में पहुंची, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे की जानकारी होते ही पेट्रोलिंग जीप मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसी सवारियों को बाहर निकाला। हादसे की जानकारी होते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। परिजन सूचना मिलते ही फिरोजाबाद के लिए रवाना हो गए। क्या हुआ है? 108 एम्बुलेंस से 2 महिला लाई गई, एक महिला एग्जामिन करने पर मर पाई, दूसरी को राइट थाई में फ्रैक्चर है। हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया है और पुलिस ने सूचना दे दी है। ये कहाँ हादसा हुआ, कुछ जानकारी मिली? इनके साथ एक पुलिसकर्मी आए, बता रहे थे नसीरपुर थाना अंतर्गत धीमी एक्सप्रेस वे पर इनका कोई एक्सीडेंट हुआ। आईवी इंटरनेशनल स्कूल फिरोजाबाद में शानदार खेल का मैदान, छोटे बच्चों के लिए खेलों की विशेष सुविधाएं, 60 कंप्यूटर सहित युक्त कंप्यूटर लैब, संगीत की अलग से शिक्षा, नृत्य सिखाने के लिए अलग से व्यवस्था, साइंस लैब, लाइब्रेरी की सुविधा आदि सुविधाओं के साथ संपूर्ण शिक्षा एवं बच्चों में संपूर्ण विकास के लिए समर्पित। बात के सभी नगर वासियों को, जैसा कि हम जानते हैं अगस्त का महीना है और सभी लोग जो है रक्षाबंधन आने वाला है, जन्माष्टमी है, ईद है और हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, तो सभी नगर वासियों को आईवी परिवार की तरफ से 15 अगस्त की, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिरोजाबाद को साफ रखें, स्वच्छ रखें। धन्यवाद।